हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 8 देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या सबसे फर्स्ट में यहाँ पे पूछा गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी रैम्स। जैसा कि इसमें बताया गया है कि आप जो नर्सरी रैम्स में आपने इस रैम से आप परिचित होंगे, जिसमें क्या बताया गया यहाँ पे, बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल। ये आपने नर्सरी में पढ़ा होगा, ये रैम्स आपने पढ़ा होगा, रैम्स की जो लाइन है। अब सेकंड वाले में क्या है यहाँ पे, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लेश वाज वाइट एज स्नो। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इस रैम्स से। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे फर्स्ट में जो है इसमें ए वाले में पूछा गया है विच पार्ट्स ऑफ द ब्लैक शीप हैव उल। उल जो होते हैं उस उल ब्लैक शीप के किस भाग में जो उल पाया जाता है। तो यहाँ पे इसमें आंसर में आप देखिएगा उल इज ऑब्टेन फ्रॉम हेयरी फाइबर ऑफ द शीप, मतलब कि शीप के जो हेयरी फाइबर होते हैं उससे उल प्राप्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब सेकंड में देखते हैं यहाँ पे सेकंड में क्या पूछा गया है। सेकंड में भी देखिए यहाँ पे रैम्स दिया गया यहाँ पे इधर, तो इसमें क्या पूछा गया यहाँ पे, ये रैम्स की लाइन है मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लेश वाज वाइट एज स्नो। जैसे कि लिटिल लैम्ब जो होते हैं उनके जो वाइट जो क्या होते हैं फ्लेशेज जो होते हैं बाल होते हैं वो यहाँ पे बताया गया इसमें स्नो मतलब दिखते हैं बिल्कुल इसमें बर्फीले दिखते हैं वाइट बाल उनके। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें देखिए व्हाट इज मेंट बाय द वाइट फ्लेशेज ऑफ द लैम्ब जो होते हैं उसके जो वाइट फ्लेशेज होते हैं किस भाग में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया यहाँ पे देखिए आंसर में वाइट फ्लेशेज ऑफ द लैम्ब रेफर्स टू द वाइट कलर्स ऑफ द फर। इनके जो लैम्ब्स के जो बाल होते हैं किस कलर में होते हैं, बिल्कुल वाइट कलर में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए अब यहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या यहाँ पूछा गया है द सिल्क वर्म क्या होता है, कैटरपिलर होता है, लार्वा है, कैटरपिलर है या लार्वा है, चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हम देखेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि सिल्क वर्म क्या है, कैटरपिलर भी है और लार्वा भी है, तो इसलिए इसमें हम थर्ड वाले को आंसर देंगे यहाँ पे बोथ ए एंड बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एंड उल। अब इसमें इनमें किन में उल नहीं पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट में आप देखिए याक दिया गया है, कैमल दिया गया है, गॉट दिया गया है, इन सब सारे चीज़ों में उल पाया जाता है इसमें आप जैसा कि जानते हैं करीब करीब। तो इसमें किस में नहीं पाया जाता, इसमें देखिए ओली डॉग। अब इसमें ओली तो लिखा गया है लेकिन इसके अंदर उल नहीं पाया जाता है, तो ओली डॉग जो होते हैं उसके अंदर उल नहीं पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म रियरिंग शेयरिंग एंड सेरिकल्चर। अब इसका क्या मतलब होता है, इस जो टर्म होते हैं इनके क्या मतलब होते हैं, क्या मीनिंग्स होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट वाले को देखिए, फर्स्ट वाले को हम देखेंगे रियरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो रियरिंग में देखिए रेसिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल लाइक शीप गॉट या काउ एंड बुफेलो फॉर कमर्शियल पर्पज सच एज मिल्क एंड फॉर इज नोन एज रियरिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको बताया भी था कि रियरिंग का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ को पालते हैं क्योंकि उससे क्या करते हैं, हम मिल्क निकालते हैं या ऊल निकालते हैं, या जैसे सिल्क वर्म को पाला तो हमने उससे सिल्क निकाला। तो ये रियरिंग की प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी जीव जंतु को पालते हैं तो उसको हम रियरिंग कहते हैं। रियरिंग का मतलब ये होता है कि किसी एनिमल्स को पालना और उससे किस लिए पालते हैं, क्योंकि उससे हम ओल निकालते हैं, मिल्क निकालते हैं, किसी पर्पज़ से उसको हम पालते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया रियरिंग। अब शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं शेयरिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एनिमल हेयर बाय यूजिंग मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय द बार्बर्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने आपको बताया था कि शेयरिंग का मतलब ये होता है कि इनके जो हेयर होते हैं, एनिमल के जो हेयर होते हैं, इसको क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं, मतलब उसको निकालते हैं। किसके द्वारा, बाय मशीन के द्वारा निकालते हैं, क्योंकि निकालने के बाद जैसे किसके लिए निकालते हैं मशीन के द्वारा, क्योंकि उससे हम क्या करते हैं,
हम उल को बनाते हैं, इसलिए हम निकालते हैं उसको। जैसा कि आपने देखा भी होगा, आपके जो हेयर होते हैं बार्बर मशीन से निकालते हैं, वैसे ही शेयरिंग का काम इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका शेयरिंग हो गया। अब हो गया इसमें, देखिए बताया गया यहाँ पे थर्ड वाले में क्या है, सेरीकल्चर। अब सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर जैसा कि आप जानते हैं, या सेरीकल्चर का मतलब यही होता है कि रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू गेट सिल्क एज नोन एज सेरीकल्चर। सिल्क को जो पालने की जो क्रिया होती है उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, मतलब कि सिल्क वर्म को जो हम पालते हैं उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 4 तक ये समझा। अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।